चंद्रशेखर आजाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भोपाल से। मेरे पास ये पाउच पैकिंग मशीन आई है, इसको ठीक किया मैंने, आइए आपको दिखाते कैसे। देखिए ये मशीन इस तरीके से काम करती है। देखिए ये पैकिंग है, इसमें एक ये रेगुलेटर लगा हुआ है, इसके अंदर टाइमर लगा हुआ है, जितना ज़्यादा समय देंगे उतनी देर तक गर्म होगा। ये यहाँ पे एक वायर डला हुआ है जो कि टक्सन धातु का बना हुआ है, नाइट्रोम और टक्सन धातु का बना हुआ रहता है वायर, ये डला हुआ है इसके अंदर। देखिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, जो कि अपना हीटर में लगा रहता है वैसे ही वायर रहता है, ऐसे ही हीटर में डला रहता है। ये देखिए ये वायर जो है ना, ये डला रहता है, ये है वो वायर, ठीक है, ये वायर जो है इसमें डला है। अब जब मैं यहाँ इस पर दबाता हूँ तो इसके लिए 12 वोल्ट 5 एम्पियर करीब करंट मिलता है, यहाँ पर से आता है, और ये ग्राउंड है यहाँ से, तो ये इस पर करंट मिलता है और 12 वोल्ट सप्लाई मिलती है, तो ये गर्म हो जाता है वायर, तो ये गर्म होता है जिसके कारण ये चिपकता है। और इसके नीचे आपको दिखाते हैं, ये है इसका सर्किट, इसमें एक 30-55 टाइमर आईसी लगी हुई है, 555 आईसी लगी हुई है, टाइमर आईसी है ये, एक रिले लगा हुआ है। टाइमर के लिए यहाँ पर 909 का एक ट्रांसफार्मर लगाया गया है 5 मिली एम्पियर में, और यहाँ पर सप्लाई दी गई है जिसके लिए, और यहाँ पे एक लीफ स्विच लगाया गया है, लीफ स्विच का जो है ना डायरेक्ट इससे कनेक्शन है। इसकी प्राइमरी जो है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी जो निकली है, ये प्राइमरी की एक तार होते हुए ये देखिए ये सप्लाई आई है 230 वोल्टेज, और यहाँ से होती हुई ये, और एक वायर ये एक काला वाला, ये दोनों इस पर आए हैं। और ये जो वायर हैं रेगुलेटर के लिए, ये वोल्टेज यानी टाइमिंग को कम ज़्यादा करने के लिए, इस रिले को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर दिए जाते हैं, जो कि अपने बंद करते हैं और ये विसिल की आवाज़ आती है, जैसे कि ये आती है, ये आवाज़ आती है, ये कट हो जाता है, ये रिले कट हो जाता है। और इसके नीचे बिंजो वायर लगा हुआ है, एक स्पीकर लगा हुआ है छोटा बिंजो वायर जिसको बोलते हैं बजर, वो बजता है, ये बीप की आवाज़ वही करता है, ये कर रहा है जो इसके नीचे लगा हुआ है। यहाँ पर प्रीसेट लगा हुआ है इसकी टाइमिंग को कम ज़्यादा करने के लिए, ये जो टाइमिंग है इसकी कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पर लगाया गया। ये लीफ स्विच है, आपने देखा होगा पुराने जो स्पीड किंग आते थे कैसेट प्लेयर, उसमें ये लगा रहता था। ये इतना इसका सर्किट है, ये करीब 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, 5 से 8 एम्पियर तक का ये ट्रांसफार्मर हो सकता है, आप लगा सकते हैं इसको, आप चाहें तो आप बना सकते हैं इसको, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो सीधा सीधा है इसमें फंडा, रिपेयरिंग हर चीज़ की करना है, कोई भी चीज़ आती है तो उसकी रिपेयरिंग होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज होगा तो आप हर चीज़ की रिपेयरिंग कर सकते हैं। मैं हर गैजेट की हर चीज़ की रिपेयरिंग करता हूँ, जैसे कि एक ये आया है मेरे पास अभी, ये जो कपड़े कटेंगे टेलर के पास रहता है, इसके बारे में भी बताऊँगा मैं, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब यदि आपकी ये समझ में आ गया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।